आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। वायु प्रदूषण की वजह से ग्रैप 3 लागू किया गया है। दिल्ली में BS4 डीजल की गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी 456 रिकॉर्ड की गई, तो एयर पॉल्यूशन दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी 456 तक पहुंच गई। इसके चलते दिल्ली में एक बार फिर ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग तोड़ने और अन्य निर्माण कार्यों पर भी रोक रहेगी। बता दें कि CAQM सब कमेटी ने खराब होती AQI के बीच दिल्ली में ग्रैप 3 को लागू कर दिया है। ग्रैप 3 लागू होने के बाद 8 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। नमित, दिल्ली में एक बार फिर से जो AQI है वो खराब स्तर पर पहुंच गया और ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो एक बार फिर से लागू कर दी गई हैं। क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल साहिल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पिछले 2 दिनों से जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अब जो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों के अंदर सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को पार कर गया। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर अब CAQM की तरफ से ग्रैप 3 की जो पाबंदियाँ हैं उनको लागू करने का आदेश जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली के अंदर BS3 पेट्रोल गाड़ियाँ और BS4 की जो डीजल गाड़ियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो गैर जरूरी कार्य है, निर्माण कार्य हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगाई है। इसके अलावा माइनिंग से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ बात करें तो ये पाबंदियां केवल दिल्ली के नहीं बल्कि NCR के इलाके में जो गाड़ियां BS3 पेट्रोल है और BS4 डीजल की गाड़ियां हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा। अभी कुछ देर पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया को रिएक्शन दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कोहरा लगातार बढ़ रहा है, कोहरे के बीच में जो धूल के कण है वो लगातार बह रहे हैं, जिस वजह से जो AQI लेवल है वो दिल्ली का बढ़ रहा है। बिल्कुल नमित, और लगातार देखने को मिल रहा है कि वायु प्रदूषण जो है वो एक बार फिर से जो सक्रिय हुआ है उससे लोगों को भी खासा परेशानी होनी शुरू हो गई है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, विजिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है और ऐसे में सड़क हादसों में भी इजाफा यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अब डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो कोहरा लगातार बढ़ रहा है, लोगों को घरों से बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। आज सुबह की बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 के करीब आ गई थी। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था और इन सब के बीच में जो AQI लेवल बढ़ा है, 400 के पार चला गया AQI लेवल, उस वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खासकर वो लोग जो कि 50 साल से ऊपर की उम्र के हो गए हैं। ऐसे में वो लोग अगर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनको डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो कोहरे से और दूसरा जिस तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, AQI लेवल बढ़ रहा है। खासतौर पर बुजुर्ग की बात करें या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं सुबह के वक्त, उनको खासा परेशानी हो रही है। नमित, क्या बताया जा रहा है, कब तक ये गैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहने वाली हैं? फिलहाल कोई तारीख यहां पर बताई गई है कि कब तक ये गैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगी? देखिए दरअसल ग्रैप के जो जितने भी नियम हैं उनको CAQM लागू करता है और CAQM खुद से लागू नहीं करता है। जैसे ही, क्योंकि इसमें एक पैमाना बना हुआ है, अगर 400 के नीचे AQI लेवल आएगा तो ऑलरेडी जो ग्रैप 3 की पाबंदियां है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, लेकिन 400 के पार जैसे ही AQI लेवल जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो फिर CAQM अपने आप ही जो ग्रैप 3 की पाबंदियां है वो लागू कर दी जाती हैं। तो ऐसे में खुद गोपाल राय ने भी कुछ देर पहले कहा कि उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में मौसम साफ होगा और सूरज निकलेगा, जिस वजह से AQI लेवल कम हुआ अगर तो फिर BS3 की पाबंदियां हट सकती हैं। चलिए नमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।